अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे बेटे साथ में रेप हो रहा था, लेकिन बेटे ने मैं कभी नहीं बताया। आज जब उसके लिए हम 4 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई, रात भर लड़की गायब रही, तो उसके बाद आज हमें पता चला जब इंक्वायरी आई कि हमारी बेटी साहब ने शोषण हो रहा था सिर्फ शादी को लेके, कि जो लड़के से वो प्यार करती थी वो उसको झांम देके दूसरे लड़कों से कैसे संपर्क कराते थे कि अगर इनके साथ में नहीं रात बिताओगे तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। बेटी नादान थी क्योंकि उस उम्र 13 वर्ष है और उसके चक्कर में लड़के की बातों में आके वो सब कुछ कर रही थी जो उसको नहीं करना था। कौन लड़के थे जो इस तरीके? मनीष था, मनीष नाई और मनीष पांडे और अनु नाई। जिस समय आपने पुलिस में कंप्लेन की तो क्या क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कार्रवाई तो हमने इसलिए करी थी कि बेटी का चालू चलन खराब हो गया है, नानी के ऊपर हाथ भी उठाने लगी थी और उसके बाद में हमें लड़कों के बारे में ये तो पता था कि बात करती हैं, पर ये नहीं पता था कि इसका शोषण हो रहा है। ये जानकारी हमें आज मिली है कि लड़की के साथ में रेप हुआ है। तरसैया घाट पे एक 13 साल की लड़की है, उसका ये कहना है, उसकी माँ का कहना है कि उसके साथ उसकी बच्ची उसकी लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा शुरू से मतलब कुछ दिन पहले से ही विगत 1 माह से मतलब उसके साथ संबंध स्थापित किया गया था और लड़की ने भी ये चीज़ बताया है, तो उसी आधार पर उनके तहरीर दर्ज की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में किसी को गिरफ्तार अभी तक किया गया क्या? अभी नहीं, तो पुलिस मतलब कायम कर रही है पुलिस और विधिक कार्रवाई की जाएगी।